हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक और हरी सब्जी की वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ सेम, और सेम की वीडियो आज मैं आपके सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने बड़ी सेम ले ली है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये किस तरीके से बनाई है। और ये ले लिए हैं मैंने 4 आलू इसमें डालने के लिए। इसे मैं बिना लहसुन प्याज का यूज किए हुए बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से साइड की जो होती हैं इसकी साइड की वो निकाल देने हैं पार्ट, और इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक बारीक पीस में काट लेना है। देखिए, थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, तो इसलिए इसे बिल्कुल बारीक जितना हो सके उतना काटना है। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पीस में इसे काट लिया है, और अब मैं इसमें मोटे मोटे पीस में काट लूँगी आलू। ये देखिए, ये मैंने आलू मोटे मोटे पीस में काट लिए हैं, और 2 काट लूँगी मैं हरी मिर्च बिल्कुल बारीक इस तरीके से। अब मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसमें चढ़ा दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से पक जाएगा तो उसमें हम छोड़ देंगे अपना जीरा। जीरा डालने के बाद जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले अपनी सेम की फली डाल देंगे कटी हुई, क्योंकि देखिए इन्हें पकने में टाइम लगता है। तो इसलिए आज मैं पहले आलू नहीं डाल रही हूँ, ये पहले सेम डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से चलाते हुए पहले हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, अब डाल देंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और अब अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे। अब इस तरीके से इसे अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। अब ये आलू डाल के अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर पका देंगे। अब ये देखिए, ये आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। देखिए, पानी इसीलिए डालते हैं कि मसाले जो हैं हमारे सूखे, वो नीचे थली में चिपके नहीं, क्योंकि अगर मसाले हमारे चिपक गए तो सब्ज़ी हमारी खाने में टेस्ट नहीं आएगा, सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से ढक दीजिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाना, और बीच में चेक करते रहना है। अब देखिए, हम चला देंगे इसे एक बार फिर से, अच्छे से मिक्स कर देंगे और चेक कर लेंगे। तो अभी हमारे आलू पके नहीं हैं, तो हम इसे दोबारा ढककर पका देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकने में 10 से 15 मिनट लग जाती हैं, तो इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके फिर से ढक देना है। अभी देखिए, ये हमारी सब्जी तैयार है। तो चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं, मैं इसमें ऐसा कुछ यूज नहीं कर रही हूँ। तो अभी हमारी सब्जी तैयार है, सर्विंग बाउल में मैंने निकाल ली है। तो आप सभी भी ट्राई कीजिए एक बार, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।